नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जो रोज सुबह एक नदी किनारे दौड़ने जाता है। वो रोज सुबह एक औरत को नदी किनारे बैठा हुआ देखता है और देखता है कि वो कछुए की पीठ को साफ करती रहती है। तो वो रोज मन में सोचता है कि ये ऐसा क्यों करती है। एक दिन वो उस औरत के पास जाके उससे पूछता है कि मैं रोज जब यहाँ दौड़ने के लिए आता हूँ तो देखता हूँ कि आप कछुए की पीठ को साफ किया करती हो, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? उस औरत का कहना ये होता है कि ये करने से उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। कछुओं की पीठ पर कचरा जमा हो जाने के कारण उनके अंदर गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, जिनके कारण उनके पानी के अंदर रहने की और तैरने की शक्ति कम हो जाती है और उनके ऊपर का कवच कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए मैं इनके पीठ के ऊपर लगा कचरे को साफ करती हूँ। तब लड़का बोलता है कि ऐसे तो कितने सारे और कछुए हैं जो इससे भी बुरी हालत में हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आप कितना बदलाव ला पाएंगी? बुरी औरत बोलती है, उस औरत का कहना यह है कि मुझे पता है कि मेरे करने से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, पर मैं जिस भी कछुए की पीठ साफ कर रही हूँ उसकी जिंदगी में तो बदलाव आएगा ना। और ये बात सुनकर वो लड़का भी ये काम करने लगता है। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमें बदलाव छोटे काम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि बदलाव कितना बड़ा है, फर्क ये है कि आपने शुरुआत की है कि नहीं की है। कोई भी इंसान बड़े काम करने से बड़ा नहीं बनता है, उसको शुरुआत छोटे काम से ही शुरू करना पड़ता है और वही उसको बड़ा बना देता है। जो आदमी ये सोचता है कि वो एक दिन बड़ा काम करके बड़ा आदमी बन जाएगा, वो अपनी जिंदगी में वो बड़ा काम के अवसर में पूरी जिंदगी भर बैठा रहता है। दोस्तों वही आदमी बड़ा बन सकता है जो हर छोटे छोटे कामों को पूरा कर उस बड़े काम की ओर अग्रसर हो, और ऐसे में वो बड़ा काम एक दिन कर जाता है और बड़ा आदमी बन जाता है। दोस्तों इस कहानी से आपको अगर कुछ सीख मिलती है तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। Advanced mobile repairing. Download mobile free repairing app.